2 साल से 18 साल के बच्चों तक के लिए भी अब कोवैक्सीन की मंजूरी मिल गई है, यानी कि टीका लग सकेगा। अभी तक 18 साल से नीचे वालों को टीका अलाउड नहीं था, सरकार के आदेश उसके लिए आदेश नहीं दिए गए थे, लेकिन अब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने यह निर्देश दे दिया है, निर्णय ले लिया है और मंजूरी दे दी है कि 18 साल से नीचे वालों के लिए भी, लेकिन जो लोअर लिमिट है वो 2 साल रखा गया है, यानी जिन बच्चों की उम्र 2 साल से ऊपर है, 18 साल के ऊपर तो पहले भी मंजूरी थी, यानी कि 2 साल से ऊपर देश के सभी नागरिकों को अब टीका लग सकेगा। 18 साल के ऊपर के नागरिकों को ऑलरेडी टीका लग रहा है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है जो कि भारतीय वैक्सीन है पूरी तरह से। भारत में 2 और वैक्सीनों को मंजूरी मिली है 18 साल के ऊपर के लिए, एक तो कोविशील्ड है, दूसरा स्पुतनिक भी है, लेकिन 18 साल से नीचे वालों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है फिलहाल। और यह अभी की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी से कुछ देर पहले ही मंजूरी मिली है और अब से यह साफ हो जाता है कि भारत में चूंकि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन जो डेट फ्रेम दिया गया था वो तो लगभग पार हो रहा है, लेकिन फिर भी आशंकाएं हैं। ऐसे में बच्चों पर असर रखने की संभावनाएं थी और इसीलिए अब कोवैक्सीन को बच्चों के लिए भी मंजूरी दे दी गई, यानी कि बच्चे भी कोवैक्सीन के लिए टीका ले सकेंगे। टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह के डोज दिए जाएंगे, इस पर अभी गाइडलाइन आने बाकी हैं। यानी कि सरकार ने यह जरूर मंजूरी दे दी है कि 18 साल से नीचे और 2 साल से ऊपर के बच्चों को टीका लग सकेगा, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी उसको लेकर गाइडलाइन अभी आने बाकी हैं। जब गाइडलाइन आ जाएंगे तो बुकिंग भी शुरू होगी और संभवतः जिस प्रकार की प्रक्रिया बाकी लोगों में देखने को मिल रही थी वही संभवतः देखने को मिलेगी। बहरहाल हमें गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन 2 डोज लगेंगे यह निश्चित रूप से है। यानी कि जिस तरह से हमें आम लोगों को जो 18 से ऊपर के लोग थे, वयस्क लोग, उन लोगों के लिए जो प्रक्रिया थी, यानी कि पहला डोज जो कि एक फेमिलियर डोज था, दूसरा बूस्टर डोज होता था, उसी तरह से बच्चों को भी 2 डोज लगेंगे कोवैक्सीन के। लेकिन गाइडलाइन का इंतजार अभी भी है कि सरकार किस तरह के दिशा निर्देश देती हैं और क्या किस जिस तरह से हम कोवैक्सीन या माफ कीजिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू हम रजिस्टर कर रहे थे और फिर स्लॉट बुकिंग के माध्यम से हम जाकर वहां पर वैक्सीन ले रहे थे, क्या उसी तरह की प्रक्रिया होगी, इस पर से भी पर्दा उठना बाकी है। आपको पता है कि जब भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है किसी भी देश में कहीं भी, तो उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है, फिर कई लोगों पर ट्रायल किए जाते हैं और जब किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं मिलता है तभी मंजूरी मिलती है। 18 साल के ऊपर वालों के लिए भी हमने कई तरह के ट्रायल देखे हैं, बच्चों के लिए भी ट्रायल किए गए हैं, क्लिनिकल ट्रायल किया गया, इसके बाद फिर बाकी एक सामान्य ट्रायल जो होता है जिसमें बड़ा सैंपल साइज सेलेक्ट किया जाता है, इन सही प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही भारत में कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है कि अब वो बच्चों को दिया जा सकेगा। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा मिलकर बनाया गया था जो कि पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है, जिसकी मंजूरी कई और देशों में भी मिली है, लेकिन बच्चों को वैक्सीन देने के मामले में भारत ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है इसी साल शुरू हुई है, लगभग 5-6 महीने का सफर हमने देखा है, जब सबसे पहले कोविशील्ड और फिर कोवैक्सीन और फिर स्पुतनिक को मंजूरी दी गई थी। कई लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है, मैक्सिमम लोगों को लग चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भी सेकंड डोज या पर फर्स्ट डोज को लेकर भी अभी भी चीज़ें बची हुई हैं। अब बच्चों को लेकर इंतजार था, अब भी हम भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि थर्ड वेव में बच्चों के संक्रमित होने के या प्रभावित होने की संभावनाएं थी। ऐसे में सवाल यही था कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगा, अगर आएगा भी तो क्या वो कोई नया वैक्सीन होगा या फिर इसी एग्जिस्टिंग वैक्सीन को अप्रूव किया जाएगा बच्चों के लिए भी। तो जवाब मिल गया है कि एग्जिस्टिंग वैक्सीन में से कोवैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है कि बच्चों के लिए यह कारगर है और इसे दिया जाना चाहिए, किसी तरह का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। बड़ी जानकारी यह है कि सरकारी स्तर पर जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं वो निःशुल्क होगा, जिस तरह का अभी भी देखने को मिल रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या जिस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, अगर वहां जाकर वैक्सीन लिए जाते हैं तो बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा, जो कि प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है पूरे देश भर के लिए। तो वो घोषणा बच्चों के लिए भी निश्चित रूप से थी स्वाभाविक तौर पर, इसीलिए यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा बशर्ते आप सरकारी संस्थाओं के पास या कोविड के वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन ले रहे हैं। अगर आप प्राइवेट के पास जाते तो उनके अपने दर हैं, अपने कीमतें हैं जिन पर आपको वैक्सीन लेने के लिए कहा जा रहा है। जिन बच्चों को अस्थमा की दिक्कत है, आजमा जिसे हम कहते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले, ऐसी बातें आ रही है, हालांकि गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को सांस लेने में तकलीफ है या ऐसी बीमारियां जो सांस लेने से संबंधित हैं, मसलन अस्थमा,
तो अस्थमा जैसे या इस तरह के रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिन बच्चों को है, उन बच्चों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उन्हें पहले वैक्सीन दिया जाएगा। और जिस तरह से बड़े बुजुर्गों में भी कुछ बीमारियां थीं, मसलन जैसे कि डायबिटीज़, उन लोगों को वैक्सीन फ़िलहाल ना लेने की सलाह दी गई थी। बच्चों में इस तरह बीमारियां कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी क्या कुछ बीमारियां हैं बच्चों में जिनके होने पर वैक्सीनेशन को अवॉइड करने की ज़रूरत, ये एक अहम सवाल है। और इसके लिए भी हम फिर कह रहे हैं कि हमें सरकार की गाइडलाइन का इंतज़ार करना चाहिए। आज ही मंजूरी मिली है, कम से कम 2-3 दिन या शायद सप्ताह भर का समय लग सकता है जब गाइडलाइंस आते हैं, उसके बाद ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी आप बुक कर सकेंगे, तभी आप वैक्सीन ले सकेंगे, बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। तो गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि बच्चों के लिए भी, उम्र क्या है 2 से 18 साल के बीच, 18 से ऊपर ऑलरेडी मिल रहा है, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 2 साल है, 2 साल से नीचे वालों को वैक्सीन नहीं लेना है, यह साफ तौर पर कहा गया है। जिनकी उम्र 2 साल हो गई है उनको वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, भारतीय वैक्सीन है, मंजूरी मिल चुकी है, गाइडलाइन का इंतजार है। क्या कुछ होता है और गाइडलाइन आने के बाद किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर प्रक्रिया शुरू होती है और प्रक्रिया में किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या कुछ सब कुछ सेम रहेगा या कुछ नई बातें ऐड हो सकेंगी, जो कि बच्चे हैं तो शायद जन्म मृत्यु का जन्म का प्रमाण पत्र देना हो, डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ सर्टिफिकेट देना हो, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सबके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि सरकारी गाइडलाइन का इंतजार करना होगा। लेकिन फिर भी अच्छी खबर यही है कि थर्ड वेव के हिट करने से पहले भारत ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर दी और वैक्सीनेशन अब किया जाएगा। जो सवाल हैं आपके उनका जवाब हमने लगभग दे ही दिया, क्योंकि और कुछ सवाल अगर हो भी तो चूंकि गाइडलाइन हमारे पास नहीं है तो हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे, हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। गाइडलाइन आने के बाद हम फिर से मुखातिब होंगे आपके समक्ष और बताएंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है। शुक्रिया।